तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं रियलिस्टिक वाटर ड्रॉ किस तरीके से शेड करना है। ड्रॉ करना तो वैसे इजी है, बेसिक शेप्स होते हैं कुछ एक वाटर के, वो आप स्टडी कर लो। तो यहाँ पे मैं एक सर्कुलर टाइप का शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग लाइट की स्टडी करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें यह देखना पड़ेगा कि किधर से लाइट पड़ रही है, किधर पर शेडो होगा, किधर पर लाइट, किधर पर रिफ्लेक्शन होगा। तो सपोज़ करता हूँ मैं यहाँ पर कि लाइट की डायरेक्शन इधर से आ रही है, तो होगा क्या कि जो फ्रंट साइड का जो पोर्शन है वो डार्क होगा, और पीछे का साइड का जो पोर्शन है बैक साइड लाइट के हिसाब से वो लाइट होगा। वहाँ पे लाइट सेटिंग करनी है, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं और भी क्या चीज़ें करनी है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एम है वाटर ड्रॉप को रियलिस्टिक बनाना। तो इसमें ब्लेंडिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसी से हमारा जो शेडिंग है वो स्मूद हो पाती है और रियलिस्टिक बनती है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है। इसके लिए मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश से इसमें काम नहीं होगा क्योंकि साइज़ बहुत छोटी है। तो यहाँ पर आप ब्रश यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ब्लेंडिंग स्टाम्प या फिर आपके पास कॉटन हो या फिर बर्ड्स हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे भी आपकी जो ब्लेंडिंग है स्मूद हो पाए और कंसिस्टेंट हो पाए। तो आप उस तरीके से ब्लेंड कर लेना इसको। तो गाइस, वाटर ड्रॉप के फ्रंट साइड का जो पोर्शन है जिधर से लाइट पड़ रही है वो पूरा डार्क एरिया है, तो उसको हम डार्क कर लेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। उसके बाद धीरे धीरे जब से हम पीछे आएंगे तो हम अपना प्रेशर जो है धीरे धीरे कम करते जाएंगे पेंसिल पे, ताकि हमारी जो शेडिंग है वो कंसिस्टेंट रहे और धीरे धीरे वो लाइट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको करना है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो शैडो, जो इसको रियलिस्टिक वाकई में बनाता है। तो जिधर से लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट साइड ऑब्वियसली वहाँ पे शैडो होगा, और शैडो आपको पता है कि डार्क होता ही है। तो जिस तरीके से जो पास में है, बिल्कुल वाटर ड्रॉप के एकदम बिल्कुल पास में है वो पोर्शन बिल्कुल डार्क होगा, उसी तरीके से जैसे हम पीछे जाएंगे वो जो शैडो होगा धीरे धीरे फेड होता जाता है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो उस तरीके से हम भी अपना प्रेशर धीरे धीरे कम करते जाएंगे शैडो में, जो भी हम शैडो ड्रॉ कर रहे हैं। और शेप आप देख लो, अगर आप स्टील लाइफ से ड्रॉ कर रहे हो तो आप देखो कि इस तरीके से शैडो पड़ रहा है, या फिर अगर आप रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर देख लो कि किस तरीके से शैडो पड़ रही है। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट वापस से सेट कर लेता हूँ। और जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए वो है कंटूर मेथड। आपको नहीं पता ये मेथड किस तरीके से ड्रॉ करते हैं या मेथड कौन कौन से होते हैं, तो आप मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके देख सकते हो कितनी तरह की शेडिंग होती हैं, कहाँ पे यूज़ करना होता है। ओके गाइस, तो शेडो वगैरह हमने ब्लेंड कर लिया है। अब पीछे के पोर्शन, जो कि मैंने बताया कि जहाँ जिधर से लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट साइड जो है वो पोर्शन पूरा लाइट रहेगा, तो जिस तरीके से हमें दिख रहा है हम लाइट कर देंगे। अब अगर आप रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ से देख लो, या फिर अगर स्टील लाइफ से ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें भी देख लो कि किस पोर्शन तक, कहाँ तक जो पोर्शन वो कितना लाइट है और कहाँ तक है। और यहाँ पे भी प्रोसीजर सेम है, आपको धीरे धीरे जैसे आप आगे के साइड जाओगे आपको प्रेशर रिलीज करते जाना है, ताकि आपकी जो भी आप हाईलाइट दे रहे हो वो कंसिस्टेंट दिखे। उसके बाद मैं फ्रंट के साइड दो रेक्टेंगुलर टाइप ड्रॉ कर रहा हूँ, वो दिखाता है डायरेक्ट जो अगर सनलाइट आ रही है तो डायरेक्ट सनलाइट की रिफ्लेक्शन जो कि वहाँ पे पड़ती है।
अगर आप वाटर ड्रॉप देखोगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी। तो गाइस अब बारी आती है बाकी पोर्शंस जो भी डार्क पोर्शंस हैं उसको और डार्क करने की, ताकि और भी अच्छे तरीके से जो हमारी ड्रॉप और भी रियलिस्टिक बन पाए। तो उसी तरीके से प्रोसीजर सेम है, जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क की ज़रूरत है वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगा दो, जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ पे धीरे धीरे आप रिलीज़ करो, ताकि आपकी जो सेटिंग है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहे। आपको प्रेशर पे आपके स्ट्रोक्स पे हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, तभी आपकी जो शेडिंग है वो कंसिस्टेंट रहेगी। कंसिस्टेंसी के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। तो गाइस ब्लेंडिंग वगैरह सब कंप्लीट हमने कर दिया है, डार्कनेस जितना ज़रूरत था उतना हमने प्रोवाइड भी कर दिया है। अब जो रिफ्लेक्शन जो मैंने सामने बनाई है उसको और ब्राइट करने के लिए मैं वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा, जिससे जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है डायरेक्ट सनलाइट का या फिर किसी भी लाइट का, वो डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन हम दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो उसको हम और ब्राइट बनाने के लिए वाइट जेल पेन यूज़ कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करो। बहुत तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुत तरीके के वाटर शेप्स होते हैं, वो सारे ड्रॉ करके देखो, अलग अलग शेप ट्राई करो, अलग अलग लाइट कंडीशन ट्राई करो, तो आपको धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो ड्राॅइंग है वो अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।